दिन भर की भाग दौड़ और काम करने के बाद हर इंसान रात में शांति से सोना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले माइंड को शांत रखना चाहिए ताकि अच्छी नींद आए, और कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करना माइंड और हेल्थ के लिए जरूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में इंसान की बॉडी 5 स्टेजेस से गुजरती है? शायद इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता होगी या ना भी पता हो सकती है। तो जानते हैं कि ये 5 स्टेजेस में होता क्या है। इन 5 स्टेज में 2 टाइप के आई मूवमेंट्स होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट REM और नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM। आई मूवमेंट की साइकिल हर स्टेज में 4 से 6 बार 90 मिनट्स तक चलती है। तो अब ये 5 स्टेज है क्या, शॉर्ट में जानते हैं ताकि बोरिंग लेक्चर जैसा ना लगे। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टेज 1, ड्राउजी स्लीप। इस स्टेज में इंसान पूरी तरह गहरी नींद में होता है। सोने से पहले जब आप लेटे हैं, तब धीरे धीरे नींद आने लगती है। ये NREM स्टेज होता है जिसमें आई मूवमेंट्स रैपिड नहीं होती है। स्टेज 2, लाइट स्लीप। रात की नींद में ऑलमोस्ट 50% टाइम स्टेज 2 में जाता है। इस स्टेज में लाइट नींद आती है और हार्ट रेट स्लो होने लगता है, साथ में बॉडी टेम्परेचर भी लो होता है और आई मूवमेंट स्टॉप होती है और माइंड रिलैक्स होने लगता है। स्टेज 3 और 4, डीप स्लीप। स्टेज 3 और 4 में इंसान को काफी गहरी नींद आती है और इस स्टेजेस में सोए इंसान को जगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये नींद में सबसे डीपेस्ट स्टेज में है, जिसमें ब्रेन वेव स्लो हो जाती है, ब्रीदिंग डीप होता है और आई मूवमेंट नहीं होती है। मतलब इंसान की माइंड और बॉडी टोटली रिलैक्स्ड होती है। इस स्टेज में कई बार लोगों को डरावने सपने आते हैं, नींद में चलने भी लगते हैं। और स्टेज 5, एक्टिव ब्रेन। सारे स्टेजेस में से सिर्फ स्टेज 5 एक ऐसा है जब रैपिड आई मूवमेंट्स होती है, यानी इस वक्त इंसान गहरी नींद से उठने की प्रोसेस में होता है। ये स्टेज स्लीपिंग माइंड को अलर्ट करता है उठने के लिए, और कई बार इस स्टेज में इंसान को सपने आते हैं। जैसे स्टेज 2 में बोला था कि बॉडी टेम्परेचर लो होता है, स्टेज 5 में बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है, जिससे बॉडी दिन भर के काम करने के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाती है। तो नींद में इंसान की बॉडी डेली 5 स्टेजेस से गुजरती है। लेकिन क्या आपने नींद में चलना इसके बारे में सुना है? कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है नींद में चलने की, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक्टिविटी नींद में स्टेज 3 में होता है। इंसान सोया हुआ रहता है और नींद में अचानक उठ के चलने लगता है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है और किस एज के लोगों को नींद में चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, ये जानते हैं। पहले जानते हैं कि स्लीप वॉक क्या है। स्लीप वॉकिंग को सोमनैम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये कम्बाइंड सिचुएशन होती है जिसमें इंसान सोया हुआ रहता है मेंटली, पर फिजिकली मूवमेंट्स करता है। शॉर्ट में बोलूं तो इंसान जागते हुए स्लीपिंग मोड में रहता है और अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कॉन्शियस माइंड स्टेट में की जाती है। जैसे कि आदमी रात के 3 बजे नींद में उठ के चलने लगा और उसके कार के पास जाके कार ड्राइव करने लगा। नींद में ड्राइविंग करते करते वो किसी अनजान रास्ते पे चला गया जो घर से काफी दूर था। ये एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड स्टेट में की जा सकती है, और इसके जैसे कई और अनबिलीवेबल एक्टिविटीज नींद में चलते वक्त किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये किस एज में होता है। दुनिया में 30% लोगों को नींद में चलने की प्रॉब्लम होती है। हैरानी की बात तो ये है कि नींद में चलने वाले इंसान की आंखें खुली होती है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। नींद में चलना बच्चों में बहुत कॉमन है, लेकिन स्ट्रेस, सेडेटिव ड्रग्स, डिप्रेशन, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स अडल्ट्स को भी हो सकती है। नींद में चलने के बारे में इतना सब जान लिया, लेकिन ये होता किस वजह से है? कई बार ऐसा लग सकता है कि इंसान रात के समय दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उठ के चलने लगता है और अजीब सी हरकतें करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान नींद में उठ के दीवार पर सिर पटकता है, पर उसे कुछ दर्द तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नींद में बॉडी 5 स्टेजेस से गुजरती है, तो जब इंसान गहरी नींद में होता है तब माइंड एक्टिव ब्रेन स्टेज स्किप करके अचानक से जाग जाता है। ब्रेन एक्टिव ना होने की वजह से अनकॉन्शियसली इंसान एक्टिव माइंड में की जाने वाली एक्टिविटीज करता है, जैसे कार ड्राइव करना। ये एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड में एक्टिव सेंसेस के साथ की जाती है, लेकिन नींद में चलते वक्त इंसान का माइंड और सेंसेस स्लीपिंग मोड पे होते हैं, जिस वजह से उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो ये थी जानकारी कि कुछ लोग नींद में क्यों चलते हैं उसके बारे में, और ये प्रॉब्लम किस एज के लोगों को हो सकती है, और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए।
आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।